प्रवेश ये है इबाज से, और इबाज का एक मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट है जहाँ पे फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। पूरे दिल्ली का नंबर है, उसमें क्या है कि अगर आप उस पर फोन करोगे, आप फोन करोगे, आप अपना रेफरेंस दोगे, नंबर पे कॉल जाएगी, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग आपके घर आएंगे, पता करेंगे कि उस व्यक्ति को जिसके बारे में आपने बताया है उसे मानसिक स्वास्थ्य जैसी बीमारी या कुछ अंदेशा है, अगर है तो हम उससे सलाह देंगे, प्रॉपर उसकी काउंसलिंग की जाएगी, डॉक्टर उसे सलाह देगा, अगर उसे है तो उसे बोला जाएगा या तो जो इबाज के क्लिनिक चलते हैं, जैसे इबाज के DMHP मतलब डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ एक प्रोग्राम है, उसके तहत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुछ क्लिनिक चलते हैं, तो उन क्लिनिक में बताया जाएगा या तो आपको वहाँ एडमिट कराने के लिए या वहाँ दवा लेने के लिए बोला जाएगा अगर नॉर्मल है तो। अगर आपको लगता है उस डिस्ट्रिक्ट में कि नहीं उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो, उसे मतलब एक प्रॉपर इलाज की जरूरत है, इमरजेंसी में कभी भी पेशेंट को लाया जा सकता है, तो उसकी मदद करके उस पेशेंट को इबाज में या किसी भी मेंटल हेल्थ संस्थान में जहाँ पर उसका मेंटल हेल्थ का इलाज किया जा सके उसे एडमिट करवाया जाए, उसकी पूरी मदद की जाएगी। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में फैमिली को साथ रहना पड़ेगा। जो नया मेंटल हेल्थ एक्ट आया है 2017 वाला, उसमें माई बॉडी माई राइट्स, मतलब अगर वो चाहेगा, अगर उसने मना कर दिया कि नहीं कराऊंगा मैं इलाज, तो ना तो कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है ना कोई और कर सकता है, उसके उसे उसके घर वालों को और उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, घर वालों को बताना पड़ेगा कि उसका इलाज जरूरी है, उसे ये बीमारी है। ये तो मेन जो मेंटल हेल्थ यूनिट का जो बेसिक काम है वो यही है कि कम्युनिटी लेवल पे, अब जैसे आप लोग कभी कम्युनिटी लेवल पे अपने अवेयरनेस करते हो अपनी गली या मोहल्ले जो भी आपकी ड्यूटीज है तो वहाँ आप वो करते हो, तो वहाँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट की साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो है तो वो आप कल्याण जी से मेरा नंबर ले लेना, तो मैं वहाँ आके अपना हम लोग अपना वो कर सकते हैं, वहाँ भी अवेयरनेस कर सकते हैं। तो असल में क्या कि ज़्यादा अवेयरनेस ना होने की वजह से ना आदमी इसको बता नहीं पाता बताता, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो जैसे ना कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप या ये सोचते हैं ना कि किसी को पता ना चले, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ रहते हैं उससे दूर जाते हैं और वहाँ उसका इलाज थोड़ा बहुत कराते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। अब होता क्या है कि जैसे और बीमारी है दवा से ठीक हो सकती है, ऐसे मानसिक स्वास्थ्य की जो बीमारी वो भी दवा से ठीक हो सकती है, तो वो क्या करते हैं दवा खाना छोड़ देते हैं, फिर वो दिवाली बीमारी धीमे 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 करके बढ़ना शुरू हो जाती है और एक समय पर इतनी बढ़ जाती है कि तो और ज़्यादा नुकसान करने लगती है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर और ऐसा अगर कुछ आपने देखा हो तो, और अपने जितने भी मैं एक नंबर अभी शेयर करूँगा, अभी इस पर लिखवा दूँगा, अपना मेंटल हेल्थ यूनिट का कंट्रोल यूनिट का नंबर है, वो वहाँ पे कॉल जाएगी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो केस होगा उस डिस्ट्रिक्ट की टीम इमीडिएट पहुँचेगी, मतलब इमीडिएट का मतलब उसी सेम डे पहुँच जाएगी ताकि उसका असेसमेंट हो सके और उसे प्रॉपर सलाह दी जाएगी, मदद की जाएगी। और कोई ऐसा भी केस आपको दिखाई देता है जो होमलेस है, मतलब आपने देखा हो तो रोड पे आप चल रहे हैं ठीक है और वो पीड़ित है, आप पुलिस क्या, जबकि पुलिस की ये ड्यूटी है कि ऐसे होमलेस को ले जाके और उसे किसी भी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में एडमिट कराए, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही, तो आप लोग को एक मतलब आम नागरिक होने की जिम्मेदारी ये है कि हमें आप पुलिस को भी बता सकते हैं 112 नंबर पर फोन करके, आप कंट्रोल यूनिट में इसमें भी बता सकते हैं हमारे नंबर पर, ताकि हम जाएंगे पुलिस की मदद लेंगे और उसका असेसमेंट करेंगे, अगर हमें लगेगा कि हाँ उसे मानसिक बीमारी है और ठीक हो सकती है तो पुलिस उसे फिर लेके किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में हम पुलिस को बोलेंगे इसे हमारे साथ या तो लेके चलो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में या फिर कोर्ट का ऑर्डर लेके इसे किसी इस्टेब्लिशमेंट में एडमिट कराओ। अब वो क्या है कि वो इस कंडीशन में कि वो बता नहीं सकता, तो पुलिस क्या करेगी कोर्ट जाएगी, कोर्ट मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट कभी भी मिल जाते हैं तो उनके सामने एक एप्लीकेशन लगाएगी कि ये व्यक्ति है और इसके उपचार के लिए इसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में एडमिट कराना जरूरी है या उसे इलाज करवाना जरूरी है, तो वो कोर्ट अलाउ करेगा कि हाँ आप इसे ले जाके वो कर सकते हो, और वो हमारी रिपोर्ट पर कि हाँ देखो इन्होंने रिपोर्ट दी है जिसमें प्राइमरी ये असेसमेंट है कि हाँ इसे मेंटल इलनेस हो सकती है, तो वो क्या करेंगे वो उस रिपोर्ट को लगा के पुलिस और एक ऑर्डर लेगी, उसके बाद उसे रेस्क्यू करके और एम्बुलेंस में लेके किसी भी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में एडमिट कराएगी, उसके बाद क्या होगा उसके बाद उसका प्रॉपर उपचार चलेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा उसका, उसका फोकस वर्कअप होगा जिसमें पता किया जा सकेगा उसे कौन सी बीमारी है, उसके बाद उसी बीमारी का इलाज चलेगा उसका और वो सही हो जाएगा। सही होने के बाद अगर पुलिस से रिक्वेस्ट की जाएगी कि उसका घर परिवार ढूंढा जाए,
अगर मान लो कि उसका घर परिवार नहीं ढूंढा पाती है पुलिस, तो उस कंडीशन में जैसे अपने जो नाइट शेल्टर है दिल्ली गवर्नमेंट के जो नाइट शेल्टर है उनमें उसे रखा जाएगा ताकि उसका आगे पुनर्वास किया जा सके, रिहैबिलिटेशन किया जा सके, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। पेशेंट की इंसाइट देखी जाती है कि वो ये कहता है कि अगर कोई पेशेंट ये है कि कहते नहीं मैं ठीक हूँ मैं नहीं जाना चाहता, उस कंडीशन में उस पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं माता पिता भाई बहन वो उनके NR होता है, एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लिख के दे दे कि नहीं इसे बीमारी है और हम इसका इलाज करवाना चाहते हैं और हमारी रिपोर्ट में भी आ जाए कि हाँ इसे प्राइमरी केसेस पे देखा गया है कि इसे मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बीमारी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में माँ बाप और भाई बहन लिख के देंगे, उनके बेसिस पे उसे दिखाया जा सकता है। इलाज कितना लंबा चलेगा? इलाज डिपेंड करता है कि बीमारी का क्या क्या एपिसोड रहे, मतलब बीमारी पहली बार है तो हो सकता है कि इलाज आपका 2, 4, 6, 8, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आपको उस बीमारी से संबंधित दवा बताती है और उन दवाओं को आपको लगे कि थोड़ा बहुत धीमे धीमे करके कम किया जा सके, 1-2 महीने में खत्म हो सकता है। कुछ बीमारी ऐसी है मान लो इलाज का जो टेन्योर है बीमारी का वो है हमें 20 साल पहले से थी या पारिवारिक में किसी को थी, तो वो लंबा अगर बीमारी का वो होगा तो वो इलाज लंबा है। आप जैसे साउथ में, मेरा डिस्ट्रिक्ट साउथ है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट दूसरी टीम का है, अगर है तो उन्हें भी मैं ईस्ट में अगर कोई है तो बता सकता हूँ, और साउथ में जो भी है वो अपने ऑर्गेनाइज करो, मैं जब आप कहोगे तब मैं आ जाऊंगा, ये उसके लिए किसी पेशेंट के लिए ये वाले कंट्रोलिंग। अगर आपको कोई भी इस तरह के प्रोग्राम करवाने हैं, कोई सलाह चाहिए, कुछ भी चले एडवाइस आप क्या कर सकते हैं, तो वो आपके जोन के हिसाब से भी मरीज को लेके।